बिजनेस साइकिल अनालिस आप रिव्यू ये स्टूडेंट्स लास्ट मॉड्यूल्स में हमने समझा कि डिफरेंट माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्वालिटेटिवली किस तरह से बिहेव करते हैं ड्यूरिंग अ बिजनेस साइकिल ओके वो अंडरस्टैंडिंग और वो इंफॉर्मेशन भी बहुत यूजफुल है बहुत सारे हवालों से यूजफुल है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फोरकास्टिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो हमने पढ़ा था वो लीडिंग एंड लैगिंग वेरिएबल्स उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप इसको फोरकास्ट कर सकते हैं बिजनेस पीपल उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपना बिजनेस प्लान इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं इसी तरह फाइनेंशियल एडवाइज़र्स भी उसको यूज़ करके पोर्टफोलियो के हवाले से वो डिसीजन ले सकते हैं पॉलिसी मेकर तो उसको यूज़ करते हैं लेकिन एज एन इकानमिस्ट वो इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन एज एन इकानमिस्ट हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि वो जो फ्लक्चुएशंस आती हैं पहली बात ये कि वो क्या होती हैं और सेकेंडली ये कि वो क्यों होती हैं वो क्यों फ़्लक्चुएशन होती हैं उनकी क्या रीजन्स हैं तो आज हम इस पर बात करेंगे कि हम इस एनालिसिस को कैसे आगे लेके चलेंगे सो मैक्रो इकोनॉमिस्ट आर इंटरेस्टेड नॉट ओनली इन वट ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल बट आल्सो इन वाई इट हैपन्स सो वाट एक्सप्लेन द बिजनस साइकिल फ्लक्चुएशंस मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल थ्यूरीज में जिस पर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस पर बात करते हैं कि हम डिस्क्राइब करते हैं शॉक्स को शॉक्स वो टर्म है जो इकानमिस्ट यूज करते हैं उन फैक्टर्स के लिए जो आपकी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल वार है ऑयल प्राइसिस में इंटरनेशनल कुछ चेंजेस आ जाती हैं उसकी वजह से इकानी अफेक्ट होती है फ्लड्स आ जाते हैं या कोई और इस तरह की गवर्नमेंट की मेजर शिफ्ट आता है पॉलिसी में तो इकोनॉमिस्ट इन इन फैक्टर्स को जो इकानोमी को इन्फ्लुएंस करते हैं अफेक्ट करते हैं उनको शॉक से डिनोट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या शॉक्स हैं क्या फैक्टर्स हैं जो इसको कॉज कर रहे हैं फ्लक्चुएशंस को और सेकेंडली ये कि मॉडल ऑफ हाउ द इकोनॉमी रिस्पॉन्ड टू शॉक्स के इकॉनमी किसी भी वार की वजह से किसी इंटरनेशनल फैक्टर की वजह से या किसी भी नेचुरल क्लाइमेटिक की वजह से फ्लड की वजह से अफेक्ट होगी तो ये तो शॉक आ गया इकोनॉमी को ठीक है अब एज एन इकोनॉमिस्ट जो हम थ्योरीज डेवलप करते हैं जो हम पढ़ेंगे उसमें हमने ये समझना है कि कोई भी इकॉनॉमी इन शॉक्स को किस तरह से रिस्पोंड करती है इसके नतीजे में उसका अपना क्या मेकानजम है जिसके वो इन शॉक्स को किस तरह से अब्जॉर्व करती है और किस तरह से उनको रेस्पॉन्ड करती है सो so मेजर जो बिजनेस साइकिल थ्योरीज हैं आप इन नामों से तो फेमिलियर होंगे एक हम हों कहते हैं क्लासिकल थ्योरी और केंद्रियन ये दो मेजर स्कूल ऑफ थाट्स हैं जो इन शॉर्ट रन माइक्रो इकनॉमिक्स ये जो है बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस को जो एड्रेस करती हैं ये दो मेजर थ्योरीज हैं सो so, ये बहुत डिफरेंट अप्रोचेज हैं ये डिफरेंट थ्योरीज हैं लेकिन लकीली ये दोनों थ्योरीज हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई फ्रेमवर्क ये दोनों हम समझ सकते हैं यानी एक एक फ्रेमवर्क जो एग्रीगेट एंड डिमांड एंड सप्लाई का उसकी मदद से इन दोनों थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे सो so, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ब्रीफली हम इसको डिस्कस करते हैं कंप्लीट मॉडल तो हम बाद वाले लेसन्स में हम इसको डिवेलप करेंगे इस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का लेकिन हम एक ओवरऑल सा एक इसको डिस्कस करेंगे सो so, इस एग्रीगेट डिमांड सप्लाई मॉडल में देर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स और वो सारे के सारे जो कम्पोनेंट्स हैं वो तीनों के तीनों वो हम उनको प्लॉट करेंगे पी एंड वाई के स्पेस में जो जिस तरह आप नॉर्मली अपने माइक्रो इकनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई आप पढ़ते हैं पी एंड वाई के स्पेस में सिमिलरली इसी तरह से ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का मॉडल भी हम उसी पी एंड वाई के स्पेस में डिस्कस करेंगे सो so, तीन कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड कर देन शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कर एंड द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर सो so, आज हम एग्रीगेट डिमांड कर्व पर बात करते हैं सो एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड वाई फॉर एनी प्राइस लेवल सो हायर प्राइस पी मीन्स लेस एग्रीगेट डिमांड एंड सो द एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड तो इसकी शेप तो बिल्कुल उसी तरह की होगी जैसे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड कर पढ़ते हैं वहाँ भी नेगेटिवली स्लोप होता है और एग्रीगेट डिमांड कर्व इज ऑल्सो नेगेटिवली स्लोप लेकिन इसकी रीजंस डिफरेंट हैं रीजंस वो नहीं है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में नेगेटिवली स्लोप की रीज वहाँ क्या रीज़न थी कि जी जब प्राइस कम होती है तो लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं क्यों ज़्यादा ख़रीदते हैं हम उसको समझते थे सबसन इफेक्ट है और इनकम इफेक्ट एंड सो ऑन इस तरह से हम उसको समझते थे लेकिन एग्रीगेट डिमांड कर की वो वाली रीजंस नहीं है इनकी डिटेल्स तो हम आने वाले लेसन में हम उसको देखेंगे ब्रीफली अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि एग्रीगेट डिमांड जब प्राइसेस कम होती हैं तो उसका इम्पेक्ट क्या होता है अगर हम उसका इम्पेक्ट एक तो ये है कि उसके नतीजे में लोगों की जो प्राइसेस कम होने की वजह से उनकी मनी डिमांड की ज़रूरतें कम हो जाती हैं ठीक है हम मनी डिमांड को डिटेल से पढ़ चुके हैं कि प्राइसेस लोग मनी क्यों डिमांड करते हैं अपनी डेली ट्रांजेक्शन के लिए तो जब प्राइस लेवल कम होगा तो हमने देखा था वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है बिटवीन मनी डिमांड एंड द प्राइस लेवल सो जब प्राइसेस कम होती हैं तो मनी डिमांड भी कम हो जाएगी मनी डिमांड कम होने की वजह से क्या हो जाएगा इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा ओके इंटरेस्ट रेट के कम होने से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी और उससे फिर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जा और भी रीजनस हैं वेल्थ इफेक्ट उसमें आता है इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल ट्रेड का भी इम्पेक्ट है लेकिन जस्ट आपको एक थोड़ा सा बात समझाने के लिए कि ये बहरहाल एग्रीगेट डिमांड कर्व इसकी जो नेगेटिव स्लोप है ये उसकी रीजंस उससे डिफरेंट हैं जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंपल एक डिमांड कर पढ़ते हैं आपने डिस्कस uh, किया है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप होता है और क्यों होता है इसी तरह से एन इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड फॉर अ गिवन पी विल शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर अप एंड टू द राइट एंड वाइस वर्सा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से अगर आप रिकॉल करें जैसे वहाँ पर था मूवमेंट अलॉन्ग कर्व एंड द शिफ्ट ऑफ द कर्व बात उसी तरह से लेकिन रीजन इसकी मैंने बताया डिफरेंट है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व भी नेगेटिवली स्लोप्ड है और ये भी राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देगा रीज़न्स के उसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि क्या है फॉर एग्जाम्पल राइज इन द स्टॉक मार्किट स्टॉक मार्केट में अगर तेजी आती तो उसके नतीजे में क्या होगा कि लोग अपने आप को ज़्यादा वेल्दी फील करेंगे ठीक है तो वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे तो किसी भी गिवन प्राइस लेवल पर आपका जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट इसी तरह की एक और एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल किसी भी एक गिवन प्राइस लेवल पर अगर गवर्नमेंट अपनी परचेजेस को कम कर देती है तो उसके नतीजे में आप जानते हैं एग्रीगेट डिमांड के ये तीन कंपोनेंट है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो ये अहम कंपोनेंट है गवर्नमेंट जब अपनी स्पेंडिंग कम कर देगी तो उससे एग्रीगेट डिमांड कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट कर देगा तो एग्रीगेट डिमांड कर्व यानी शिफ्ट करेगा लेफ़्ट वर्ड या राइट वर्ड इन वजूहत की बिना पर और इस तरह ये नेगेटिवली स्लोप्ड होगा ये आज हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व को समझा नेक्स्ट लेक्शन में हम एग्रीगेट सप्लाई कर्व पर बात करेंगे